बार जब मैं आपसे मिली थी तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अब नए टेक्निक सिखाने वाली हूँ, क्योंकि सिंपल बातें करना आप सीख चुके हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे लिसनिंग की बात की थी, यानी कि सुनने की बात की थी। आज मैं आपको वहां से आगे बढ़ाकर रीडिंग की बात करने वाली हूँ, यानी कि पढ़ने की। मैं जानती हूँ जैसे ही मैं रीडिंग की बात करूंगी वैसे ही आधे लोग भाग जाएंगे, क्योंकि किताब पढ़ने का शौक हमें नहीं है। तो मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको किताब पढ़ने को कहूंगी ही नहीं। अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन इंसान नहीं है तो कोई बात नहीं, मत पढ़िए। लेकिन फिर भी जिंदगी में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं रोज, जो कि इंग्लिश में होती है, जैसे कि आपके न्यूज़पेपर्स, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, आपके ईमेल्स। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए भी तो आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि समझ आना चाहिए। रीडिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? ऐसा कहते हैं कि अगर आपको अपनी बातचीत सुधारनी है तो बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन अगर आपको ये सुधारना है कि आप क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, तो प्रैक्टिस कीजिए रीडिंग की। तो आज मैं आपको पढ़ना नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको सिखाऊंगी अलग अलग टेक्निक्स जो आपका टाइम बचा सके जब आपको कुछ लंबा पढ़ना हो, क्योंकि लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएगी जो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो वैसे तो कई सारी टेक्निक्स होती है, लेकिन मैं आपको कुछ 3 या 4 टेक्निक सिखाने वाली हूँ आज। और ये टेक्निक्स आपको हेल्प करेगी ऑफिस में जब आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है या सुनना है या पढ़ना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, या अगर आप डे टू डे लाइफ में रीजनल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इंग्लिश में आप पढ़ना सीख जाएंगे। और जितना अच्छा पढ़ पाएंगे उतना अच्छा बोल पाएंगे, क्योंकि पढ़ते वक्त हम बहुत सारे नए नए शब्द सीखते हैं और धीरे धीरे हम वो अपने स्पीकिंग में भी डालते जाएंगे। तो टाइम वेस्ट करे बिना मैं आपको पहली टेक्निक पे लेके जा रही हूँ। पहली टेक्निक का नाम है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है जल्दी जल्दी पढ़ना, यानी कि ऊपर ऊपर से पढ़ना। अब ऊपर ऊपर से पढ़ने का मतलब ये तो नहीं कि मैं छोड़ ही दूँ, पढ़ूँ ही नहीं। मैं पढ़ूँगी, लेकिन जो भी लिखा है उसके एक एक फैक्ट को अपने दिमाग में नहीं लूँगी, फटाफट पढ़ती जाऊँगी, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये पैराग्राफ या न्यूज़ रिपोर्ट मेनली है किस चीज़ के बारे में। जिस डिटेल में मुझे इंटरेस्ट नहीं वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स होते हैं या मेल्स होते हैं जिसमें बहुत लंबी लंबी चीज़ें लिखी होती है, जिसका हमारे साथ कोई काम ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर हम क्यों पढ़ें? लेकिन उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, इसीलिए जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से पढ़ने के लिए हम सीखेंगे स्किमिंग। तो जब आप स्किमिंग करते हैं तब आप टाइम बचाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर टेक्स्ट बहुत लंबा है तो आपका ध्यान भटक जाए और टाइम वेस्ट हो जाए। इसलिए स्किमिंग करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आप में होनी चाहिए वो है कॉन्सेंट्रेशन। स्किमिंग करने का एक अच्छा मेथड ये है कि आपकी जो पहली लाइन है और जो आखिरी लाइन है, पैराग्राफ हो या कोई भी छोटा मोटा टेक्स्ट हो, उसकी पहली और आखिरी लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्योंकि जनरली जब कोई कुछ लिखता है तो पहली लाइन में अपना मेन टॉपिक या मेन आइडिया बता देता है। आपको मेन आइडिया ही तो जानना है, तो जब वो इंसान अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा है तब आपको वो पहली लाइन से मिल जाएगा। पहली लाइन और आखिरी लाइन जब आप पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि बीच के पोर्शन को मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं पढ़ूंगी लेकिन फटाफट से जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से पढ़ लूंगी। क्योंकि स्किमिंग का पर्पस ही ये है कि मुझे टेक्स्ट का मेन आइडिया समझ में आए। जैसे कि मैं आपके साथ एक एग्जांपल सॉल्व करूंगी। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, उसको टाइटल दे रखा है अवेयरनेस अबाउट एल्डर अब्यूज, यानी कि बड़े बूढ़ों के साथ जो भी मारपीट जैसी चीज़ें हो या उनको दिल दुखाने वाली चीज़ें हों उसके बारे में अब जानकारी बढ़ रही है, यानी कि अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो ये टाइटल मुझे बताता है कि ये इसका टॉपिक है, मेन टॉपिक है एल्डर अब्यूज की अवेयरनेस। अब जितनी चीजें यहां बोल्ड में दे रखी है वो मैं ध्यान से शांति से पढ़ूंगी, और जो चीजों को मैंने बोल्ड नहीं किया है उसको मैं स्किम रीड करूंगी, यानी कि ऊपर ऊपर से पढ़ूंगी, क्योंकि वो मेरे काम की नहीं है। तो पहली लाइन पढ़ती हूं। अवेयरनेस अबाउट एल्डर अब्यूज स्टिल लार्जली अ टैबू टॉपिक हैज स्टार्टेड टू इंक्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि बड़े बूढ़ों के साथ जो भी अब्यूज होता है उसकी जानकारी, हालांकि कोई इसके बारे में बात नहीं करता, अब दुनिया जानने लगी है। अब जो बीच का पार्ट है उसको मैं फटाफट पढ़ती हूँ, क्योंकि उसका डेटा मुझे रजिस्टर नहीं करना मेरे दिमाग में।
It is defined as actions or lack of appropriate action which can abuse, which can cause harm or distress to an older person occurring within any relationship where there's an expectation of trust. All types of elder abuse can have impact on the health and well-being of the older person. अब मैंने इसको जल्दी जल्दी पढ़ा है, आप ये पोर्शन को मन में पढ़ रहे हैं. जब हम मन में पढ़ते हैं तो हम इसी स्पीड में पढ़ते हैं, आपको जोर से इस स्पीड में नहीं पढ़ना है, इसलिए चिंता मत कीजिए. अब मैं लास्ट लाइन पढ़ती हूँ जो कि बोल्ड में है, इसको मैं शांति से पढ़ूंगी और समझूंगी. साइकोलॉजिकल अब्यूज यानी कि दिमाग का अब्यूज इज द मोस्ट परवेसिव एंड इंक्लूड्स बिहेवियर्स दैट हार्म एन ओल्डर पर्सन सेल्फ वर्थ और वेल बींग. किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करता है साइकोलॉजिकल अब्यूज, सच एज नेम कॉलिंग, स्केयरिंग, एम्बेरसिंग, डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी और प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम सीइंग फ्रेंड्स एंड फैमिली. इसका मतलब है कि किसी भी बड़े बूढ़े का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है जब आप उनको गलत नामों से बुलाते हैं, उन्हें डराते हैं या उन्हें नीचा दिखाते हैं, या फिर वो किसी चीज़ के मालिक है और आप वो तोड़ देते हैं, या फिर उनको अपने दोस्तों और दूसरे रिश्तेदारों से मिलने नहीं देते, थोड़ा कैद करके रखते हैं, तो उन्हें जो यहाँ पे महसूस होता है वो है साइकोलॉजिकल अब्यूज़. तो अब अगर मैं ये समझ चुकी हूँ तो मुझे मेन आइडिया समझ में आ गया. अब एक सवाल है, वॉट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट. चार ऑप्शंस दे रखे हैं. द एल्डरली सफर साइकोलॉजिकल अब्यूज़ यानी कि बड़े बूढ़ों के साथ साइकोलॉजिकल अब्यूज़ यानी कि दिमाग का अब्यूज़ हो रहा है और वो ये चीज़ सफ़र कर रहे हैं. दूसरा है द अवेयरनेस ऑफ मिस ट्रीटमेंट ऑफ ओल्डर पीपल इज़ ऑन द राइज़ यानी कि बड़े बूढ़ों के साथ जो गलत व्यवहार, जो गलत बिहेवियर हो रहा है उसकी जानकारी अब बढ़ रही है. तीसरा ऑप्शन है पीपल शुड नो मोर अबाउट द अब्यूज़ ऑफ द एल्डरली यानी कि लोगों को अब बड़े बूढ़ों के साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए. और चौथा ऑप्शन है द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस ऑफ द अब्यूज़ ऑफ द एल्डरली यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि जानकारी बढ़े इस बारे में. अब ये जो लास्ट के दो पॉइंट्स है ये तो मैं जानती हूँ कि मेन आइडिया नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की तो कोई बात ही नहीं थी. और लोगों को पता होना चाहिए ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि लोगों को अब पता चल रहा है. द एल्डरली सफर साइकोलॉजिकल अब्यूज़ ये तो हम सब जानते ही थे, सिर्फ बात नहीं करते थे. इसलिए करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से बी होना चाहिए क्योंकि अब जो अब्यूज़ हो रहा है उसके बारे में जानकारी बढ़ रही है, ये वो पैसेज कह रहा था. तो आपने जब ऊपर ऊपर से पढ़ा तभी भी आपने मेन आइडिया जान लिया और आपने जो टेक्निक यूज़ की उसे कहते हैं स्किमिंग. अगर आप ये समझ चुके हैं तो मैं जल्दी जल्दी बढ़ना चाहूँगी अगली टेक्निक की तरफ जो कि है स्कैनिंग. अब जब स्कैनिंग की बात करती हूँ तो दिमाग में आता है वो रिपोर्ट्स जो होती है ना जो हम स्कैन करते हैं, या वो डॉक्यूमेंट्स को हम स्कैन करते हैं, तो क्या वो होता है स्कैनिंग? होता है, लेकिन इंग्लिश में जो रीडिंग टेक्निक है वो थोड़ी सी अलग है. स्कैनिंग नाम सही है क्योंकि हम अपनी आँखों से स्कैन कर रहे हैं. अब स्कैन करते क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढना चाहते हैं. अगर मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ ढूंढनी है तो फिर मैं पूरी चीज़ पढ़ूंगी क्यों? फिर मैं वही स्पेसिफिक चीज़ ढूंढ सकती हूँ ना. तो जब मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करती हूँ तब मैं करती हूँ स्कैन. स्कैनिंग करने के लिए मैं तुरंत से फटाफट से टेक्स्ट को पढ़ूंगी, लेकिन असल में मैं पढ़ नहीं रही हूँगी, मैं सिर्फ नज़रें घुमा रही हूँ कोई एक चीज़ ढूंढने के लिए. जैसे कि कभी आपको फ़ोन में कोई कॉन्टैक्ट ढूंढना है और सर्च बटन वर्क नहीं कर रहा तो आप स्क्रॉल करते हैं, और आप फटाफट स्क्रॉल करते हैं तो क्या आप पढ़ते हैं सब कुछ? नहीं पढ़ते. आप सिर्फ वो एक नाम ढूंढते हैं तो आप वेट करते हैं कि कब वो नाम का अल्फ़ाबेट आए और मैं स्लो करूँ इसको. या फिर जब हम डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे वर्ड ढूंढना है आबराकडाबरा, बहुत अच्छा वर्ड है डिक्शनरी में है, अगर मुझे वर्ड ढूंढना है आबराकडाबरा, तो मैं पूरी डिक्शनरी थोड़ी ना पढ़ूंगी, मैं ए खोलूंगी और मैं ढूंढूंगी कि आबराकडाबरा कहाँ है. तो शायद ए और ए ए में ना हो इसलिए मैं पेज पलटूंगी, ए और बी की तरफ जाऊंगी, फिर थोड़ा सा धीरे से पढ़ूंगी और देखूंगी कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और फिर जब ए बी और आर आ जाएगा तब मुझे मिल जाएगा आबराकडाबरा. तो इसे बोलते हैं स्कैनिंग. बीच में जितने वर्ड्स आए उनको मैंने ना पढ़ा ना उनका मीनिंग जानने की कोशिश की, मैंने सिर्फ वही वर्ड ढूंढा जो मुझे चाहिए था. तो इसको बोलते हैं स्कैनिंग. यहाँ जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास देख रहे हैं, स्कैनिंग कुछ इस तरीके की होती है, हमारी आंखें बन जाती है मैग्नीफाइंग ग्लास. तो अब मैं सिखाती हूँ कि स्कैनिंग करनी कैसे है. जैसे कि यहाँ एक पैराग्राफ है, मैं तो कहती हूँ पैराग्राफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्कैन करना है तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं.
When did the fatal enforced malnourishment in a temple in Sparta happen? बहुत बड़े बड़े words हैं, लेकिन options में around 370 BC, 470 BC, 570 और 670 BC दिया हुआ है, मतलब time पूछ रहे हैं. When है मतलब कि time पूछ रहे हैं, साल पूछ रहे हैं. फेटल एनफोर्स्ड माल नरिशमेंट का मतलब है कि भूख की वजह से जब लोगों को खाना नहीं मिलता है तो भूख की वजह से जो हो जाता है उनको उसे माल नरिशमेंट कहते हैं. जितने की ज़रूरत है उतना खाना जब नहीं मिलता है तो उस इंसान को माल नरिश्ड कहते हैं. तो ये स्पार्टा के किसी मंदिर में हुआ था. ये जानना चाहते हैं कि कब हुआ था. अब सिंपल टेक्निक स्कैनिंग का ये है कि ये सब ढूंढने बैठना ही नहीं है. नंबर दिए हुए हैं आपको 370, 470, 570 और 670, तो मैं मेरी आंखें घुमाऊंगी इस पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ नंबर ढूंढने के लिए, और मुझे यहाँ पे 470 BC दिखाई दे रहा है तो मैं इसके आसपास ही पढ़ूंगी. हो सकता है मेरा आंसर यही हो क्योंकि मुझे कहीं और नंबर नहीं दिख रहा है. तो कन्फर्म करने के लिए मैं ये एक लाइन को पढ़ती हूँ. टेक दैट फेटल एनफोर्स्ड मालनरिशमेंट इन अ टेम्पल, ये तो था मेरे क्वेश्चन में. फॉर एग्जाम्पल This happened in Sparta, ये भी था मेरे क्वेश्चन में. Around 470 BC. आगे का पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. मिल गया मुझे मेरा आंसर. बाकी का पैराग्राफ मैंने पढ़ा ही नहीं और मैं पढ़ना भी नहीं चाहती, मेरे काम का नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूं? इसे बोलते हैं स्कैनिंग. अगर आप स्किमिंग और स्कैनिंग सीख चुके हैं तो क्लोज रीडिंग तो बाएं हाथ का खेल है. क्लोज रीडिंग पास से पढ़ना नहीं, क्लोज का मतलब पास होता है और बंद भी होता है, लेकिन क्लोज रीडिंग का मतलब है ध्यान से पढ़ना. काफ़ी लोग इसे क्लोज रीडिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को पास से पढ़ने के लिए चश्मे लगाने पड़ते हैं, तो इतना नज़दीक से पढ़ते हैं इसीलिए उसको क्लोज रीडिंग कहते हैं. क्लोज रीडिंग का एक और नाम है, उसे कहते हैं रीडिंग इन डिटेल, यानी कि ध्यान से डिटेल में पढ़ना. एक एक चीज़ पढ़ी जाती है यहाँ पर. कौन सी चीज़ें आप क्लोज रीडिंग करते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है? शायद आपके पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने ली है तो उसको पढ़ना ज़रूरी है. कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन करना चाहते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कोई ईमेल मैसेज या लेटर आता है तो उसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसमें एक भी चीज़ को हम मिस नहीं करते हैं. कई लोग जब किताबें पढ़ते हैं तो उसमें वो स्किमिंग और स्कैनिंग का एप्लीकेशन नहीं करते हैं क्योंकि किताब में हम जानना चाहते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो वो भी हम क्लोज रीडिंग से ही पढ़ते हैं. तो क्लोज रीडिंग होती कैसे है, यहाँ पे एक पैराग्राफ है. अब जब जब मैं ये पैराग्राफ पढ़ूंगी, एक एक लाइन को रुक के मैं समझने की कोशिश करूंगी कि इसमें लिखा क्या है. इंग्लिश में क्लोज रीडिंग ऐसे की जाती है. और याद रखिएगी, इस पैराग्राफ के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ, तो ध्यान से इस पैराग्राफ को मेरे साथ पढ़िए. द टाइटन्स वर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ग्रीक गॉड्स who played an important role in the growth of Greek mythology as well as helping the Greeks explain a lot of natural phenomena such as earthquakes. तो टाइटन्स किसी जनरेशन का नाम है, ग्रीक गॉड्स की जनरेशन थी. जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान होते हैं वैसे ग्रीस में भी बहुत सारे भगवान थे, उन्हें कहते थे ग्रीक गॉड्स. उनमें से कुछ थे टाइटन्स. उनका रोल बहुत ज़्यादा था उनकी माइथोलॉजी में क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ें समझा रहे थे, जैसे कि अर्थक्वेक्स कैसे होते हैं. ऐसी चीज़ें समझाने वाले भी ग्रीस में टाइटन्स ही थे. कौन थे वो? दे वर द 13 इमॉर्टल चिल्ड्रन. इमॉर्टल यानी कि ऐसा इंसान जो मर ना सके, अमर हो. 13 बच्चे थे वो. किसके? हु वर बॉर्न टू द मदर अर्थ और गाया. मदर अर्थ और गाया यानी कि धरती माता. उनके रिलीजन में शायद धरती माता का नाम है गाया. एंड हर हस्बैंड यूरेनस हु वॉज द गॉड ऑफ स्काई. तो उनके धर्म में शायद स्काई के भगवान को यूरेनस कहते हैं. द फर्स्ट 6 चिल्ड्रन ऑफ यूरेनस एंड गाया वर ऑफ मॉन्स्ट्रस अपियरेंस, यानी कि राक्षस जैसे दिखते थे पहले 6 बच्चे उनके, इंक्लूडिंग 3 वन आइड साइक्लोप्स. उनकी एक ही आँख थी. 3 बच्चे ऐसे थे जिनकी आँखें एक ही थी और 3 ऐसे थे जिनके 100 हाथ थे. रावण के तो 10 सर थे, इनके तो 100 हाथ थे. एंड 300-handed giants, giants यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, whom Uranus had banished to the deepest pit of the underworld, Tartarus. हमारे लिए deepest pit है नरक, सबसे नीचे वही है, उनके लिए है Tartarus. तो Uranus ने इन्हें वहाँ भेज दिया क्योंकि ये बहुत ख़राब दिखते थे. However, लेकिन the Titans were born next, इनके बाद आए Titans. और ये 13 बच्चे,
These 13 children were as beautiful and wonderful as the first 6 were ugly and monstrous. जितने खराब वो 6 लगते थे उससे कहीं ज्यादा अच्छे ये टाइटन्स लगते थे। तो ये लिखा है आपके इस पैराग्राफ में, मैंने ध्यान से धीरे धीरे पढ़ के समझाया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रही हूँ, याद रखना पैराग्राफ को। यूरानस फादर, यूरानस किसके पापा थे? साइक्लोप्स एंड 100-handed जायंट्स, मैंने बताया था ना, एक आंख वाले साइक्लोप्स और 100 हाथ वाले जायंट्स, विथ गाया, गाया उनकी मम्मी थी, हु वॉज। तो सवाल ये है कि गाया कौन थी? यूरानस तो हमें पता है कि स्काई के गॉड थे, गाया थी धरती माता यानी कि मदर अर्थ। अब ये एक ऐसी डिटेल है जो मुझे स्किमिंग यानी कि ऊपर ऊपर पढ़ने से पता नहीं चलती, इसीलिए ऐसी चीज़ों के लिए क्लोज रीडिंग करना ज़रूरी है। रियल लाइफ में मैंने आपको बताया कि ईमेल्स, लेटर्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज रीड करना ज़रूरी है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए। कहीं पे भी अगर आप साइन कर रहे हैं तो पहले ध्यान से उसको पढ़ लीजिए, वहाँ पे आपको क्लोज रीडिंग काम आएगी। तो आप 3 टेक्निक्स तो सीख चुके हैं, तो बढ़ते हैं एक आखिरी टेक्निक पे जिसका नाम है डिड्यूसिंग मीनिंग। अब ये मुझे मालूम है आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये आपके काम की टेक्निक है। डिड्यूसिंग मीनिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमें तब काम आती है जब हमें किसी वर्ड का मतलब समझ में नहीं आता। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो बहुत ही नेचुरल चीज़ है कि आपको हर एक वर्ड थोड़ी ना पता होगा, किसी को नहीं पता होता क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो हर किसी को हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता। तो अगर आपको मीनिंग पता नहीं है तो क्या आप हर एक बार डिक्शनरी खोल के ढूंढेंगे? नहीं। तो आप क्या करेंगे? उस वक्त अज्यूम करेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। कैसे अज्यूम करेंगे? जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो वो सेंटेंस का एक मीनिंग होता है। अगर आप उस सेंटेंस का मीनिंग समझ जाते हैं तो आपको उस वर्ड का मीनिंग समझ आ जाएगा। ये कैसे करना है ये भी मैं सिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसका बोल्ड वर्ड है डिवॉइड। अब मुझे डिवॉइड का मतलब नहीं पता, तो मैं कोशिश करूँगी सेंटेंस के बेसिस पे समझने की कि डिवॉइड का मतलब क्या है। सेंटेंस है, रोनाल्ड हेटेड द डिटेंशन रूम बिकॉज इट वॉज एब्सोल्यूटली डिवॉइड ऑफ वर्म्थ एंड चेयर। तो रोनाल्ड को ये डिटेंशन रूम पसंद नहीं था क्योंकि वो उसके अंदर वर्म्थ और चेयर था ही नहीं। अब डिटेंशन रूम है तो वर्म्थ और चेयर तो होगा नहीं। वर्म्थ मतलब गर्माश, गर्माश का मतलब टेम्परेचर से गर्म नहीं, उसका मतलब है कि अपनापन महसूस नहीं हो रहा था उसे और कोई खुशी नहीं थी अंदर। तो अब मुझे डिवॉइड का मतलब तो नहीं पता, लेकिन अगर ये कहता है इट वॉज एब्सोल्यूटली डिवॉइड ऑफ, तो हो सकता है डिवॉइड का मतलब हो किसी चीज़ की कमी। ये मेरा अजम्पशन है, मुझे नहीं मालूम कि ये मतलब है या नहीं। ऐसे ही एक दूसरा वर्ड है स्पॉन्टेनियस, जिसका मतलब मैं नहीं जानती, पर सेंटेंस कह रहा है ब्रेंडा वॉज ट्राइंग टू स्टडी फॉर हर केमिस्ट्री फाइनल व्हेन शी वॉज ओवरकम by the spontaneous urge to go on a bike ride, but the urge passed as suddenly as it came. तो ब्रेंडा एक लड़की है जो कि अपने केमिस्ट्री फाइनल एग्जाम की पढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अचानक उन्हें बाइक राइड पर जाने की इच्छा हुई, पर जैसी इच्छा आई वैसी चली भी गई। तो अब मैं नहीं जानती कि स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, लेकिन अर्ज लिखा है यानी कि इच्छा, और पढ़ते पढ़ते ऐसी इच्छा आई है तो अचानक ही आई होगी, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ। तो हो सकता है स्पॉन्टेनियस का मतलब हो अचानक। तो देख लेते हैं इन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ डिवाइड और स्पॉन्टेनियस को, तो यहाँ पे लिखा है कि डिवाइड का मतलब है एंटायरली लैकिंग और फ्री फॉर्म, यानी कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कमी, वर्म्थ और चीयर की कमी को डिवाइड कहते हैं। अब मुझे वर्ड का मतलब नहीं मालूम था, लेकिन सेंटेंस के मतलब के बेसिस पे मैंने अज्यूम कर लिया। स्पॉन्टेनियस का मतलब है अराइजिंग फ्रॉम अ मोमेंटरीली इम्पल्स, अचानक कुछ हमने सोचा और करने की इच्छा हो गई, तो उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस। तो ये मतलब भी बिल्कुल सही है, हमने सही सोचा था, तो इसे कहते हैं डिड्यूसिंग मीनिंग। बिना डिक्शनरी के वर्ड का मतलब समझ आ जाना मतलब वर्ड को डिड्यूस कर लेना है। आज के क्लास में मैंने आपको 4 टेक्निक सिखाई है, स्किमिंग, स्कैनिंग, क्लोज रीडिंग और डिड्यूसिंग मीनिंग। हर टेक्निक अलग अलग जगह पे काम आती है। कोशिश कीजिए कि दिन ब दिन जहाँ जहाँ आपको इंग्लिश दिखाई दे रही है आप उसको पढ़िए, और जहाँ जहाँ वर्ड समझ नहीं आ रहा उसको समझने की कोशिश करेंगे डिड्यूसिंग मीनिंग से।
स्किमिंग और स्कैनिंग तो आप जानते ही हैं कि आपको कई जगहों पे लगानी पड़ेगी, लेकिन याद रखिएगा कि क्लोज रीडिंग का भी हम यूज़ करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने की हैबिट लगेगी उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश बोलने का इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आप नए नए वर्ड सीखेंगे जब आप क्लोज रीडिंग करेंगे। अगले क्लास में मैं आपको एक और नई चीज़ सिखाने वाली हूँ, उसे कहूँगी अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल थीम्स, यानी कि कोई भी रिटन टेक्स्ट का मेन आइडिया समझना। और रिटन ही क्यों, कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो वो मेनली किस चीज़ के बारे में है, वो कैसे समझना है इंग्लिश में, उसके बारे में आपसे बात करूँगी। बट बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ वापस, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।